केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पीरियोडिक टेबल के जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उनको हम लोगों ने कवर किए। लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सारे के सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, जिनके अंदर रेडियस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर्स और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह शामिल थे। ये जो हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स जितने भी लास्ट लेक्चर्स में कवर किए ये आपके एलिमेंट्स के थे, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है और जो इससे प्रोसीडिंग लेक्चर होंगे आगे वाले, इनके अंदर हम लोग अगेन पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम कंपाउंड्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम लोगों ने कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं जो कि आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वो हैं हेलाइड्स, यानी आज के लेक्चर में हम हेलाइड्स को कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं हेलाइड्स की डिटेल में जाऊं, आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन, हेलाइड्स कहते किसे हैं हम, हेलाइड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स। बाइनरी किसे कहते हैं, बाइनरी टू, जैसे आप बेस टू यूज करते हो ना, बाइनरी बेस टू उसके अंदर यूज होती है। सो बाइनरी का मतलब है जब दो एलिमेंट्स मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक बाइनरी कंपाउंड होता है। और हेलोजन्स आप किसे कहते हो, ये ग्रुप 7A के जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं इनको आप हेलोजन्स कहते हो। ठीक है, ग्रुप 7A में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 7A में आपके पास ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन शामिल हैं। ठीक है, तो इन पांच कंपाउंड्स के जो इन पांच एलिमेंट्स के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड, ये जितने भी हैं ये सारे हेलाइड्स हैं हमारे। ठीक है, तो हेलाइड जैसे कंपाउंड्स को कहते हैं। हेलाइड्स की फर्दर हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, हेलाइड्स की तीन टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे पास आयनिक हेलाइड्स, ठीक है, और बेसिकली इसकी टोटल जो टाइप्स अगर डिफाइन करने लगे ना तो इसकी यू करके डिफाइन, एक होते हैं आयनिक हेलाइड्स और एक होते हैं कोवेलेंट हेलाइड्स। ये जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि आयनिक हेलाइड्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है और कोवेलेंट हेलाइड्स के अंदर जो सिग्निफिकेंट बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट होती है। और जो कोवेलेंट हेलाइड्स हैं वो फर्दर दो टाइप्स के हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, एक जो हमारे पास फर्स्ट टाइप हो जाती है वो होती है डिस्क्रीट यूनिट हेलाइड्स, डिस्क्रीट यूनिट हेलाइड्स, और दूसरी हमारे पास इसकी टाइप होती है पॉलीमेरिक हेलाइड्स। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाने से पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ों पे जाना चाहूँगा। एक तो ये कि हेलाइड्स को हम कहानी यहाँ पे थोड़ी सी फुल स्टॉप लगा देते हैं और अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग टाइप की, बॉन्डिंग टाइप और इसकी रिलेशनशिप हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, और दूसरी हम इसका इन्फ्लुएंस देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह के ऊपर और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले चीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी तक चूंकि हम एलिमेंट्स की बात कर रहे थे तो ज्यादा डिटेल के अंदर हम लोग एलिमेंट्स ही की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की बात करते थे। फॉर एग्जांपल हम कहते थे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है और इसकी वैल्यू है 4, और आपके पास हर एलिमेंट की कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। ठीक है, अब फ्लोरीन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आप ट्रेंड्स भी देख चुके हो। आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि जब कोई कंपाउंड्स ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली इनकी कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई से कि इसकी वैल्यू 3.2 है और इसकी 1.1 है, सो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है 3.2 - 1.1 विच इज 2.1, ये एक्चुअली डिटरमिन करता है कि इनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी। अगर तो ये डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, लाइक 2.1 है, तो ये बॉन्डिंग आयनिक होती है, और अगर डिफरेंस लेस देन 1.7 हो तो हम इसको प्री डोमिनेंट जो बॉन्डिंग होगी वो कोवेलेंट होगी।
एक और चीज के कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ये कभी भी प्योरली कोवेलेंट नहीं होती, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर लाजमी होता है, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि कभी भी वो जो आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली मिड में होना बहुत मुश्किल होता है। ये एग्जैक्टली मिड में तब होता है जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, यानी इन दोनों, ये दोनों एक ही एलिमेंट्स हो, ठीक है। जैसे हम Cl बॉन्ड की बात करते हैं तो म्यान में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एग्जैक्टली मिड में लाई करेगा, ठीक है। बट अगर आप बात करते हो HCl की, तो ये जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये Cl की तरफ इंक्लाइंड होगा बिकॉज ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के निस्बत, ठीक है। सो इस कोवेलेंट, अब इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है बट इसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी है इस चार्ज के आने की वजह से। इसके ऊपर देयर इज नो चार्ज ऑन क्लोरीन, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर चार्जिंग आ गई है कोई ना कोई, तो कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है, मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट से क्या रिलेशन होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं एक आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स में यूं होता है कि आपके पास यूनिट सेल्स होते हैं, फिर ये लेट से ये आपके ढेर सारे मुख्तलिफ, वैसे तो इनका साइज डिफरेंट होता है, ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो लेट से थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, और वो जो बड़े होंगे वो कैटाइन्स होंगे या एनाइन्स होंगे आपके पास, वो आपके पास एनाइन्स होंगे, ठीक है। लेट्स से ये एक आयनिक बॉन्ड का छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर लिया। अब इसमें होता ये है कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करते। आप में ये, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो दिस इज अ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, और जो आपके पास फॉर्मूला यूनिट होता है वो आप इसको भी कह सकते हो, आप इसको भी कह सकते हो, इन दोनों के दरमियान भी उतनी ही फोर्स होगी जितनी इन दोनों के दरमियान होगी और जितनी इन दोनों के दरमियान होगी, ठीक है। और जब आप मेल्ट करने की कोशिश करोगे इस सब्सटेंस को, मेल्ट करने की कोशिश करोगे इसको, आप हीट सप्लाई करोगे, तो होगा ये कि आपका ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा और NaCl यूनिट्स आपस में सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इसी पूरी कहानी को एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। फॉर एग्जांपल आपका कोवेलेंट बॉन्ड है ClCl, कोवेलेंट बॉन्ड है और आप क्लोरीन गैस की बात कर रहे हो। क्लोरीन गैस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, कोवेलेंट बॉन्ड यूं होता है, ठीक है। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जब आप इनको रिमूव करने की कोशिश करोगे, जब क्लोरीन में लेट से कि मैं लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत क्लोज उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। जब मैं इसको अब हीट करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसको हीट किया, तो इसके अंदर इसे जब मेल्ट होगा तो ये वाले आपस में रिमूव हो जाएंगे, ये थोड़े डिस्टेंस इनके दरमियान बढ़ जाएगा इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, जैसे इसमें फॉर्मूला यूनिट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा था। अब इसके अंदर आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी यही डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, और इनके अंदर कम करनी पड़ेगी बिकॉज इसके अंदर जो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर आयनिक फोर्सेज होती हैं, ये आपकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है, और इसके अंदर भी ये जो कोवेलेंट फोर्सेज हैं ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कोवेलेंट होती है उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या होगी, वो जो होगी वो वीक वैंडरवॉल्स फोर्स होगी, वैंडरवॉल्स फोर्स होगी, ठीक है। और ये जो वैंडरवॉल्स फोर्स होगी ये डिटरमिन करेगी आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक हो गया। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, आपके ख्याल में आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? वेल, आपके जहन में जो एक इंप्रेशन बैठा हुआ होगा और जैसे आप सोच रहे होगे, मोस्टली आप लोगों का आंसर होगा आयनिक बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा कोवेलेंट के निस्बत, ठीक है। बट अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताएं दुनिया में जिस ऑब्जेक्ट का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास वो क्या चीज है? डायमंड? डायमंड में आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है? डायमंड में तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसमें तो
ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि उसमें आयनिक करेक्टर जो होता है वो जीरो होता है, यानी सेम कार्बन एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से दुनिया का सबसे स्ट्रांग मेटल आपके पास बन गया, और अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं, और भी जितने भी स्ट्रांग मेटल्स आपके पास है, स्ट्रांग कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सबके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उनके अंदर। ये जो हम बॉन्डिंग की बात करें, ये अगेन इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि जैसे मैं अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना एक कोवेलेंट कंपाउंड, अगर तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं आपके, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कोई एक कोवेलेंट कंपाउंड, फिर तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होगा। बट अगर वो किसी चेन फॉर्म में, जैसे कि डायमंड एग्जिस्ट करता है, उससे एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कोवेलेंट है, बिकॉज कोवेलेंट फोर्स जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कोवेलेंट हैं, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट उस कंपाउंड का ज्यादा होगा आयनिक कंपाउंड के निस्पत, ठीक है। ये आपको फिलहाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी हम जब एक्चुअल एग्जांपल्स के ऊपर आएंगे तो ये आपको काफी सिंपल लगने लगेगा। हम बात कर रहे थे हैलाइड्स की, ठीक है। अब आयनिक हैलाइड्स कौन से होते हैं? आयनिक हैलाइड्स आप उस वक्त बात करते हो जब आपके पास, फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखो हैलाइड्स आपके पास इस लाइन के तमाम आपके पास मैगे हैलाइड आयंस होंगे ना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। आप लेट से आप इनको रिएक्ट कराते हो अल्कली मेटल्स के साथ, अब होगा ये अल्कली मेटल्स की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, और फ्लोराइड और इन हैलोजेंस की आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये ग्रेटर होगा हमेशा 1.7 से। अब ग्रुप 1A की बात करो या ग्रुप 2A की बात करो, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप उसका हैलाइड बनाओ, फॉर एग्जांपल आप सोडियम क्लोराइड बनाओ, सोडियम फ्लोराइड बनाओ, कैल्शियम फ्लोराइड बनाओ, कैल्शियम ब्रोमाइड बनाओ, कैल्शियम आयोडाइड बनाओ, ये सब जितने भी बनेंगे ये सब आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। और इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इन ये जो आयनिक हैलाइड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर यूं आपके पास फॉर्मूला यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्म में, और इन फॉर्मूला यूनिट्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, सो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो आपके आयनिक हैलाइड्स जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी इनकी, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हम साथ इनके ट्रेंड्स को भी जनरलाइज करते जाते हैं। जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक हैलाइड्स इन पर्टिकुलर, आयनिक हैलाइड्स में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, तो होता क्या है कि आप लेट से के एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम हो रही होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही होती है आपके पास, तो अब होगा ये कि फॉर एग्जांपल आप इधर बात करो, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप टॉप टू बॉटम आते जा रहे हो, तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत कम होती जा रही है। सो आपके पास जो नीचे वाले जो है ना एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आप फ्रांसियम की बात करो, जो फ्रांसियम का फ्लोराइड होगा और जो लिथियम का फ्लोराइड होगा, जो फ्रांसियम का होगा वो स्ट्रांग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम जब आप आते हो, तो आपके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज करता है। सो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जो बॉन्डिंग टाइप है वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड्स बनेंगे। इसी तरह जब आप टॉप टू बॉटम ही आ रहे होते हो, टॉप टू बॉटम, लेकिन आप इस ग्रुप में नहीं आ रहे होते, आप लेट से टॉप टू बॉटम आ रहे होते हो फ्लोराइड्स के अंदर, लेट से आप किसी सोडियम के फ्लोराइड्स की बात, सोडियम का आपने पहले फ्लोराइड लिया, सोडियम फ्लोराइड, फिर आपने सोडियम क्लोराइड लिया, फिर आपने सोडियम ब्रोमाइड लिया, सोडियम आयोडाइड लिया, इनमें सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सोडियम फ्लोराइड का होगा। उसकी रीजन भी अगेन वही है कि सोडियम का तो आपने फिक्स कर दिया ना,
सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सोडियम फ्लोराइड में सबसे ज्यादा होगा निस्बतन सोडियम आयोडाइड के, ठीक है। सो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, अगेन जो आपके फ्लोराइड्स होंगे, ठीक है, इसको ट्रेंड को आप यूं लिख लो कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स का जो ऑर्डर है वो कुछ यूं होगा, आपके जो फ्लोराइड्स होंगे उनका आपका किसके ज्यादा होगा, क्लोराइड से, क्लोराइड का ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड का आयोडाइड, ठीक है। सो ये तो था आप जब टॉप टू बॉटम आते हो आयनिक हैलाइड्स के अंदर, लेकिन अब जब आप लेफ्ट से राइट साइड पे पीरियोडिक टेबल के आ रहे होते हो तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ रही होती है लेफ्ट टू राइट। जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है तो अब होता यह है कि आपकी जो हैलाइड्स के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वो कम हो रहा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बात करो यहां पे, जब आप बात करते हो लेट से ब्रोमाइड के कंपाउंड्स की, पहले आपने लिया मैग्नीशियम को जिसका 1.31 था, फिर आपने लिया एल्यूमिनियम को 1.61, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप देखो कम होता जा रहा है, और जब आप फास्फोरस तक पहुंचोगे तो ये बहुत ही कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो बेसिकली जो आपकी बॉन्डिंग टाइप है ना वो फिर आयनिक नहीं रहेगी, तो वो आपकी जो बॉन्डिंग टाइप है वो कोवेलेंट हो जाएगी, फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग टाइप, तो फिर वो कोवेलेंट हैलाइड्स होंगे। और फिर आपके पास कोवेलेंट हैलाइड्स में फर्दर दो किस्म के हैं, आपके पास मैंने आपको बताया था एक इंडिपेंडेंट यूनिट्स, डिस्क्रीट यूनिट्स हैलाइड्स होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट हैलाइड्स, और दूसरे आपके पास होते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। ये देखने में कैसे होते हैं इसको मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं इनके। ये आप देख रहे हो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। इसमें जो आपको बड़े वाले एटम्स नजर आ रहे हैं ये सारे आपके पास क्लोरीन के एटम्स हैं, बिकॉज इनमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और सोडियम चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज रिड्यूस हुआ हुआ है, ठीक है। ये आपके पास सोडियम प्लस और ये क्लोरीन नेगेटिव एटम्स हैं आपके पास आइंस हैं, ठीक है। सो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें आप देखो ये क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है इसका, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये एक आयनिक हैलाइड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब लेट से आप पीरियोडिक टेबल पे थोड़ा राइट साइड पे आना शुरू करते हो, ये आपके पास है यूरेनियम का हैलाइड, ये आपके पास है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यूरेनियम एनरिचमेंट के अंदर ये यूज होता है, इसका फॉर्मूला है UF6, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये आपके पास यूरेनियम का एटम है दरमियान में, और इसके साथ 6 फ्लोरीन के एटम्स हैं, और ये सब के सब जो है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है यूरेनियम के साथ, ठीक है। इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में अगर आप गौर करो ये आपके पास इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपके पास हो गया, इसके बाद आपके पास ये एक हो गया, और फिर आपके पास ये हो गया, ये आपके पास इंडिपेंडेंट डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, अलग, सेपरेट, ठीक है, डिस्क्रीट, सेपरेट, ठीक है, अलग, जो आप कहते हो कि एक इंडिविजुअली आप बात करते हो, तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के। सो ये डिस्क्रीट यूनिट हैलाइड है आपके पास। इससे जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है वो ये हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स, पॉलीमेरिक हैलाइड्स, पॉलीमेरिक हैलाइड्स आपके तब होते हैं जब आप बात करते हो, ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है AlCl3, ये आपके पास दरमियान में एल्यूमिनियम का आइटम है, और यहां पे आपके पास ये क्लोरीन के एटम्स हैं, क्लोरीन, ठीक है, और यहां पे जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये गैलियम क्लोराइड है GaCl3, आपको गैलियम के एटम्स नजर आ रहे हैं दरमियान में, जो ग्रीन एटम्स है ये क्लोरीन के एटम्स हैं आपके पास, ठीक है। अब अगेन इनमें आप देखो पॉलीमेरिक हैलाइड्स को बाय डेफिनेशन हम ये कहते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स होते क्या है, पॉलीमेरिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होते हैं जिसमें आपका जो हैलाइड आयन है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका क्लोरीन है ये आपका लिंक्ड होता है बिटवीन टू एटम्स, जो दूसरे जो आपका बाइंड्री कंपाउंड में जो दूसरा एटम एलिमेंट है उसके दो एटम्स के दरमियान ये
लिंक्ड होता है, एक चेन बना रहा होता है, ठीक है। सो ये आप देखो यहाँ पे क्लोरीन एक चेन बना रहा है इन दो के दरमियान, और ये स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यूड होगा। ये तो फिलहाल एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक डाइमर है, और ये गैलियम ट्राइक्लोराइड है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, ये आपके पास बेरिलियम क्लोराइड है, BeCl2, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड जो है ये भी आपका पॉलीमेरिक हैलाइड है। पॉलीमेरिक हैलाइड वो होते हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ कि इनके दरमियान लिंक्ड होता है स्ट्रक्चर, और इनकी रीजन ये होती है कि ये आयनिक और कोवलेंट दोनों बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। ये आयनिक और कोवलेंट दोनों बिहेवियर, ये पार्टली आयनिक और पार्टली कोवलेंट होते हैं। अब बेरिलियम क्लोराइड को अगर अगेन देखो, इसके अंदर जो दरमियान में आपको येलो कलर में नजर आ रहे हैं ये आपके पास बेरिलियम है, और जो ग्रीन कलर में आपको साइड्स पे नजर आ रहे हैं आपके पास क्लोराइड है। ये आपके पास देखो अगेन चेन फॉर्म में, पॉलीमर कहते ही हम चेन्स को है, पॉलीमर का, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और मर का मतलब होता है फॉर्म, तो मैनी फॉर्मेशन यानी चेन्स यानी मैनी स्ट्रक्चर लिंक्ड टूगेदर, ठीक है। सो ये आपके पास एक पॉलीमर है बेरिलियम क्लोराइड का, जो कि एक पॉलीमेरिक हैलाइड है, ठीक है। आपके पीरियोडिक टेबल के जो मिडिल के जितने भी हैं ना, आप यहाँ पे अगर बात करो पीरियोडिक टेबल, ये आपका नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल में जितने भी मिडिल के आपके पास एलिमेंट्स हैं, इनमें से कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये बेरिलियम आपका पॉलीमेरिक हैलाइड शो करता है, ठीक है, और आपके पास एल्यूमिनियम, गैलियम, या आपके कुछ एलिमेंट्स जो दरमियान के हैं ना, ये आपको पॉलीमेरिक हैलाइड शो करते हैं। जो आपके राइट हैंड साइड के हैं वो आपको प्योरली डिस्क्रीट यूनिट कोवलेंट हैलाइड शो करते हैं, और जो प्योरली मेटेलिक हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बहुत कम है, ये आपको आयनिक हैलाइड शो करते हैं। तो आपके पास तीन कैटेगरीज बन गई, ये वाला आपके आयनिक हैलाइड शो करते हैं, ठीक है। दरमियान में आपके पास कुछ ऐसे हैं जो फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम आपको पॉलीमेरिक हैलाइड शो कर, यूरेनियम तो आपके पास प्योरली कोवलेंट था, आप यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लो, ये आपके पास दरमियान के एलिमेंट्स हैं, ये आपको पॉलीमेरिक हैलाइड शो करते हैं, और जब आप राइट साइड पे आ जाते हो तो आपके कोवेलेंट हैलाइड्स हो जाते हैं, कोवेलेंट हैलाइड्स, ठीक है। अब हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स की ट्रेंड्स के साथ, कि कोवेलेंट हैलाइड्स में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, कोवेलेंट हैलाइड्स में जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, टॉप टू बॉटम, तो आपको पता है कि आपकी वैंडरवॉल्स फोर्सेस होंगी, कोवेलेंट हैलाइड्स के अंदर वैंडरवॉल्स फोर्सेस होती है ना, हम ऊपर देख चुके हैं, वो जो वैंडरवॉल्स फोर्सेस होंगी वो टॉप टू बॉटम जब आप आओगे तो वो बढ़ेंगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है ग्रेटर साइज की वजह, पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है ग्रेटर साइज की वजह से, तो स्ट्रांग बॉन्ड होगा जब आप टॉप टू बॉटम आओगे। सो फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम की बात करते हो, सोडियम फ्लोराइड की, सोडियम आयोडाइड की, लेकिन हम सोडियम की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि सोडियम तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे कंपाउंड की बात करो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सो लेट से जो आपके फ्लोराइड्स होंगे ना आपके, यानी जितना आप ऊपर होंगे आपके पास फ्लोराइड्स बन रहे होंगे, और जब फ्लोराइड से नीचे आपके पास आ जाएंगे ब्रोमाइड, सॉरी क्लोराइड, फिर आपके पास ब्रोमाइड, फिर आपके पास आयोडाइड, जो आपके पास आयोडाइड्स होंगे ना, ये सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये आपके पास सिर्फ तब होगा जब आपके पास कोवेलेंट हैलाइड्स हैं, ठीक है, बिकॉज कोवेलेंट हैलाइड्स के अंदर आपके पास टॉप टू बॉटम जब आप आते हो तो हैलाइड्स के अंदर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो इतना सिग्निफिकेंटली जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता, बल्कि कम हो रहा, ज्यादा हो रहा होता है डिफरेंस, सॉरी कम हो रहा होता है, लेकिन होता यह है कि आपकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही होती है। सो हाई पोलराइजेबिलिटी की वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसी वजह से आपका जो आयोडाइड्स होते हैं, आयोडाइड्स ये आपके पास सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम आयोडाइड की बात करते हैं, ये जो पोटेशियम के आई, ये जो आप डालते हो सोडियम क्लोराइड के अंदर, ये कहते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, वो बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, सोडियम आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो आपके पास जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ये सॉलिड होता है, और जब आप ऊपर जाते हो आपके पास फ्लोराइड जो होंगे वो लिक्विड, और फिर आपके पास गैसेस में चले जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट हैलाइड्स। इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स ही डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स के, और उसमें हम लोग हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे।
ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में हैलाइड्स को देखा, हैलाइड्स डिस्कस किए क्या होते हैं, हैलाइड्स की हम लोगों ने टाइप्स देखी आयनिक और कोवेलेंट, और फिर कोवेलेंट की फर्दर डिस्क्रीट यूनिट हैलाइड्स और पॉलीमेरिक हैलाइड्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने बॉन्डिंग टाइप का हमने रिलेशन देखा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से, और उसके बाद हम लोगों ने टॉप टू बॉटम डिस्कस किए ट्रेंड्स हैलाइड्स के, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाइड्राइड्स को कवर करेंगे।